गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर द इंटेलिजेंट एडवाइस। बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि एक हंसों का झुंड एक बरगद के पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बना के रह रहा था, और उनमें से एक बूढ़ा हंस था। एक दिन वो बूढ़ा हंस सब हंसों को बुलाया और बुला के बोला कि एक अंगूर की लता हमारे पेड़ के नीचे उग रहा है, तो हमें उसे उखाड़ देना चाहिए, नहीं तो वो बड़ा होके हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। पर किसी ने वो बूढ़ा हंस की बात को ध्यान नहीं दिया, वो और वो लोग उड़ के चले गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया, वो बूढ़ा हंस तो जाके दूसरे पेड़ में रहने लगा। फिर जो अंगूर की लता थी वो बड़ा हो गया, बड़ा और मजबूत बन के पेड़ से लिपट गया। और एक दिन सारे हंस गए थे खाना ढूंढने के लिए, उसी टाइम एक शिकारी आया, मतलब चिड़िया पकड़ने वाला आया, और पेड़ के ऊपर चढ़ के उनके घोंसले के ऊपर जाल बिछा दिया। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, आज हम यहाँ से करेंगे। लेट इन द इवनिंग व्हेन द स्वान्स रिटर्न टू देयर नेस्ट, दे कुड नॉट सी द नेट स्प्रेड देयर। मतलब शाम को जब हंसों का झुंड अपने अपने घर पे लौटा, तो थोड़ा रात हो गई थी, तो उन्हें दिखाई नहीं दिया कि जाल बिछाया हुआ है। ऑल द स्वान्स गॉट ट्रैप्ड इन द नेट। फिर सारे हंस वो जाल में फंस गए। ट्रैप्ड मतलब फंसना। दे शाउटेड फॉर हेल्प, वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगे। शाउटेड मतलब चिल्लाना। द ओल्ड स्वान हु वाज टेकिंग रेस्ट एट द टाइम हर्ड द प्लीज ऑफ हिज फ्रेंड्स। जो बूढ़ा हंस था वो आराम कर रहा था, तो उसे सुनाई दिया कि अपने दोस्तों की पुकारना उसे सुनाई दिया। ही वेंट टू देयर रेस्क्यू, वो वहां गया उन्हें बचाने के लिए। रेस्क्यू मतलब बचाने के लिए। द स्वान्स आस्क्ड हिम फॉर हेल्प, सब हंस उससे हेल्प मांगे। दे आर रिपेंटिंग फॉर नॉट लिसनिंग टू हिम, उन्हें पश्चाताप हो रही थी कि वो बूढ़ा हंस की बात नहीं सुनने के लिए। तो द ओल्ड स्वान वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो बूढ़ा हंस बहुत बुद्धिमान था। ही टोल्ड द स्वान्स ए वे टू एस्केप फ्रॉम द बर्ड कैचर कैचर्स हैंड, तो वो कैसे बचा जाए वो बर्ड कैचर से, वो सब हंसों को बोला। कौन? वो बूढ़ा हंस बाकी हंसों को बोला। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द बर्ड कैचर ब्रॉट डाउन द नेट फ्रॉम द ट्री टॉप, और उसके दूसरे सुबह जब वो चिड़िया पकड़ने वाला जाल को ट्री टॉप मतलब पेड़ के ऊपर से जब जाल को निकाल के नीचे लेके आया, ही सो दैट ऑल द स्वान्स वर डेड, वो देखा कि सारे हंस मर चुके हैं। इन रियलिटी दे वर ऑल एलिव, पर रियल में वो लोग नहीं मरे थे। एलिव मतलब जिंदा, ठीक है, वो लोग जिंदा थे। एंड वर जस्ट प्रिटेंडिंग, प्रिटेंडिंग मतलब नाटक करना। वो लोग ऐसे ही नाटक कर रहे थे, मरने की नाटक कर रहे थे, पर नहीं मरे थे वो लोग। द बर्ड कैचर लुक ऑफ द नेट फ्रॉम ईच वंस क्लोज, फिर वो चिड़िया पकड़ने वाला एक एक बार की क्लोज मतलब पंजा, तो एक एक बार की पंजों से जाल को खोल दिया। एज सून एज द लास्ट वन वॉज फ्री, जब तक वो लास्ट वाला नहीं फ्री हुआ था, ऑल द स्वान्स फ्री हुए। जब वो लास्ट वाला फ्री हो गया, फिर सारे स्वान सारे हंस उड़ के दूर भागे। दे वेंट टू द ओल्ड स्वान, वो लोग गए बूढ़ा हंस के पास, एंड प्रोमिस्ड, और उससे प्रोमिस किया टू लिसन टू हिज एडवाइस इन फ्यूचर, भविष्य में उसकी बात सुनने के लिए उससे प्रोमिस किया सारे हंसों ने। तो हमें इस स्टोरी से क्या नैतिक शिक्षा मिलती है बच्चों? हमें इस स्टोरी से यह नैतिक शिक्षा मिलती है कि वी शुड नॉट इग्नोर आवर एल्डर्स एडवाइस, हमें हमारे बड़ों की बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है, बड़ों की बातें मानना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं।
थैंक यू।